द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज साइंस। तो कुरान भी तो ये कह रहा है, अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत, क्या तुमने ऑब्जर्व नहीं किया हमने ऊंट को कैसा बनाया, पहाड़ों को कैसी उठान दी, आसमान को कैसा बनाया, जमीन को कैसा बिछौना बनाया। 1000 आयात कुरान की, ऑलमोस्ट 6500 आयात में से वो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर से रिलेटेड है, साइंस का इल्म है ही है। तो ये दुनिया का इल्म जो आप कह रहे हैं ये दीन ही का इल्म है, ये कोई दुनिया का इल्म नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुरान कहता है कि हमने चीजों के नाम सिखा दिए थे, ये तो नहीं कहता कि बता दिए थे कि अल्लाह ताला के नाम कितनी दफा पढ़ने हैं तो ये सवाब होगा। हर चीज का नाम सिखा दिया था, पोटेंशियली वो उनके दिमाग में वो दरख्त बो दिया गया था जो आज इतना बड़ा हो चुका है कि इंसान ने ऐसे जहाज बना लिए हैं जो 500-600 मुसाफिरों को लेके 8000 किलोमीटर तक बगैर रिफ्यूलिंग के उड़ सकते हैं, और उड़ते नहीं सिर्फ लैंड भी करते हैं। ये सबसे मुश्किल काम है। लोग कहते हैं जी मिसाइल टेक्नोलॉजी मुश्किल है, जनाब मिसाइल टेक्नोलॉजी तो शायद ही कोई नहीं जो ये बोइंग की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि मिसाइल तो आपने छोड़ना है, उसने फटना है, वापस नहीं आपने उतारना। लेकिन स्पेस शटल को, बोइंग जहाज को उड़ा के आपने उतारना भी है, बंदे बीच में बैठे हुए हैं, ये मुश्किल टेक्नोलॉजी है। तो करके दिखाया ना, ये इंसान जब भी कोई चीज डिस्कवर करता है ना सबसे पहले उसका नाम रखता है। तो पोटेंशियली आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए थे जो फरिश्तों को भी नहीं आते थे, इंसान की फजीलत उसी अकल की वजह से। तो ये कोई दुनिया का इल्म नहीं है, ये अल्लाह ताला का फेल है, ये कायनात है कि नहीं। कुरान अल्लाह का कलाम है और कायनात अल्लाह का फेल है, अल्लाह ने बनाई है ना, क्रिएटर ने। अल्लाह के फेल का इल्म हासिल करना ये दुनियादारी कैसे हो गई? ये दुनियादारी उस सूरत में होगी जब इसके बाद आप खुदा को ना पहचाने। वो तो सर कुरान पढ़ के भी अगर आपने खुदा को नहीं पहचाना और कुरान बेचने का जरिया और चंदे कमाने का जरिया बनाया तो आपसे एक फिजिक्स का प्रोफेसर बेहतर है, कम से कम उसने खुदा की किताब को तो नहीं बेचा अपने जाती फतवों की खातिर। ये तो बाद के अमाल बताते हैं कि आप इसमें से निकाल रहे हैं। तो आज साइंस की बरकत से मेरे ख्याल खुदा का तारुफ जितना हमें हुआ है हमारे असलाफ को नहीं था, और आज जिस बेहतरीन अंदाज में हम क्रिएटर का तारुफ एक इंसान के सामने रख सकते हैं, आज से पहले तस्वुर भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जीन्स की स्ट्रक्चर, सरकार अकल दंग रह जाती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक चाय के चम्मच में इतने जीन्स आते हैं और उनके अंदर इतना डाटा कोड हो सकता है जितनी इंसानी तारीख में आज तक किताबें दुनिया की लाइब्रेरीज में पढ़ी हुई। ये किसने रखा है? एक बीज के अंदर इतना डाटा रख दिया कि 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बनता है और साल हर साल फल देता रहता है, सब कुछ उस बीज में से निकला हुआ है। दुनिया की कोई हार्ड डिस्क इसको स्टोर नहीं कर सकती। आज से पहले ये तफसीलात हमें नहीं पता थी ना, एक इजमालन पता था कि अंडे में से चूजा निकल आता है। सरकार ये वो डिटेल्स जो आप साइंस हमें बता रही है, आज से पहले किसी को, यानी एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो 1980 में आके ऑलमोस्ट फाइनल हुई है, इससे पहले किसी को पता था कि मां के पेट में बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है? क्या साहबा इकराम ने ये देखा हुआ था? उनका तो ईमान बिलगैब था। हम तो परेशान हो जाते हैं कि यार लोग तो कह रहे जादू जादू देखना तो ये देखो, कभी नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी चैनल के ऊपर जब वो फास्ट करके मूवीज चलाते हैं कि एक बीज फूटता है उसमें से कोंपल निकलती है फिर बनते बनते दरख्त बन जाता है या फूल, वो जादू हो रहा होता है, अंडे में से चूजा निकलना चाहिए, असल जादू ये हो रहे हैं जो अकल दंग है। लेकिन हम इन मोजज़ात के आदि हो चुके हैं। तो आज खुदा का तारुफ मेरा ख्याल है साइंस की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से हम अपनी यंग जनरेशन को खुदा का तारुफ करवा सकते हैं, और इससे बढ़कर साइंस की बरकत से आज दीन इतना आसान है कि अगर कातिब के लिखने पर कुरान होता आज दुनिया के हर मुसलमान के पास कुरान ना होता, अगर प्रिंटिंग प्रेस ना होता।
ये बुखारी मुस्लिम यहां ना पड़ी हुई होती। अगर काते भी लिख रहे होते, अगर मोची जूतियां बना रहे होते ना, तो आठ आधी दुनिया नंगे पांव होती जितनी दुनिया की बादी हो चुकी है। तो साइंस ने हमें दीन पे चलना भी आसान किया है। आज मसाजिद के अंदर जितनी फैसिलिटीज आपको नजर आ रही हैं, ये अजमेर शरीफ वालों ने दी हैं आपको, ये बगदाद शरीफ वालों ने दी हैं, ये रायविंद शरीफ वालों ने दी हैं आपको, मुल्तान शरीफ वालों ने दी हैं, नहीं सरकार, ये साइंस ने आपको दी है। तो हमें तो साइंस को गले से लगाना चाहिए था कि इसने रिलीजन पे चलना था। ये जो मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं, आप एक रुपया भी खर्च नहीं करेंगे और दुनिया के सारे बड़े आजमों में आपकी वीडियो पहुंच जाएगी। अगर आपको कोई टीवी चैनल इंटरनेशनल खरीदना पड़ जाए, आपकी नस्लें भी पैसा जोड़े तो नहीं खरीद सकती। यूट्यूब ने आपको फ्री दे दिया, उल्टा आपको मोनेटाइजेशन के वो पैसे भी देता है अपलोड करने के। सरकार, ये साइंस की बरकत से सब कुछ हुआ। तो एहसान फरामोश ना बने, साइंस ने आपको बहुत कुछ दिया।